कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। दुष्यंत जी की ये पंक्तियाँ हमारे मन में जोश भरती हैं, और जोश हमारे मन में तब भी भरता है जब हम ये देखते हैं कि अपनी उम्र के 65वें साल पे KFC के संस्थापक ने अपनी कंपनी को या अपने व्यवसाय को शुरू किया और आज इस व्यवसाय की ग्लोबल प्रेजेंस है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ CA नितेश गुप्ता, और जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में 5 स्टार्टअप्स को रिव्यू किया था, आज दोबारा से हम 5 स्टार्टअप्स को रिव्यू करेंगे और ये समझेंगे कि कैसे इन स्टार्टअप्स ने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसका समाधान दिया, उसका सलूशन दिया, और कैसे इनके बिजनेस में एक यूनिकनेस है, एक नयापन है और कुछ इनोवेशन है। तो दोस्तों, इस वीडियो का मकसद यह भी है कहीं ना कहीं कि आप जो है वो इस वीडियो से प्रेरित होंगे और अपने एक नए आइडिया को, जिसमें कि कुछ यूनिकनेस होगी, ऐसा एक आइडिया आप लेकर आएंगे, अपना व्यवसाय आगे बढ़ाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप में एक कदम आगे बढ़ाएंगे और उद्यमिता को आगे लेकर जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए हम लोग अपनी इस जर्नी को शुरू करते हैं, और इसमें जो सबसे पहला स्टार्टअप मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ, उस कंपनी का नाम है आर्यटेक प्लेटफॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, ये एग्रीकल्चर क्षेत्र की कंपनी है, और जो इस कंपनी ने सबसे पहले जिस समस्या को समझा, आइए उस समस्या को पहले समझते हैं। हम लोगों ने अक्सर ये देखा है कि हमारे किसान भाई जो अपनी उपज करते हैं उसका उनको प्रॉपर मूल्य नहीं मिल पाता है, और इसकी एक बड़ी वजह ये है कि वो उसका स्टोरेज की प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं हो पाती हैं, और इसी तरीके से प्रॉपर मंडियों की उनको समझ नहीं होती है जहाँ पर कि वो ट्रेडिंग कर सकें। तो इन्होंने इन समस्याओं को समझा इस स्टार्टअप ने, और जो उसका सलूशन लेके आए वो इन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप किया जहाँ पे कि कुछ रिकॉग्नाइज्ड वेयरहाउसेस को इन्होंने अपने साथ जोड़ा, जहाँ पे कि हमारे किसान भाई जो है वो अपनी उपज को इन वेयरहाउसेस में स्टोर कर सकते हैं, और जब प्रॉपर समय आता है उस समय वह इनका सेल कर सकते हैं जिससे कि उनको एक अच्छा प्राइस मिल सके। इसी तरीके से ये स्टार्टअप जो है वो ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दिलवाता है जो कि किसान भाइयों की उपज को प्रॉपर मूल्य दिलवाने में सहायक है। इस स्टार्टअप का और भी जो रोल्स हैं उसमें फाइनेंस अवेलेबल करवाना, किसान भाइयों की जो फसल है उसका बीमा या इंश्योरेंस करवाना, और क्वालिटी चेक, जो आप किसान भाई जो हमारे अपनी उपज उत्पन्न कर रहे हैं उसका क्वालिटी चेक भी हेल्प, क्वालिटी चेक में भी ये स्टार्टअप हेल्प करता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि ये स्टार्टअप जो है हमारे किसान भाइयों के लिए मददगार है, और जो भारत सरकार की जो किसानों की आय दुगनी करने की योजना है उसमें भी सहायक है। दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और इस श्रृंखला में जो दूसरा स्टार्टअप मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ, उस कंपनी का नाम है रिसाइकिल आस्था नेचर प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, ये कंपनी जो है वो ग्रीन टेक्नोलॉजी क्षेत्र, यानी कि वातावरण को कैसे हरा भरा रखा जाए, उस क्षेत्र को बिलोंग करती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस स्टार्टअप ने किस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। अक्सर हमने देखा है कि हम मंदिरों में फूल चढ़ाते हैं और उन फूलों को प्रॉपरली डिस्पोजल नहीं हो पाता है। हम अपनी भक्ति से फूल चढ़ाते हैं लेकिन उनका डिस्पोजल प्रॉपर ना होने हो पाने के कारण वे प्रदूषण बढ़ाते हैं, और नदियों के प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान, काफ़ी बड़ा योगदान इन फूलों का है, क्योंकि ये नदियों में बहा दिए जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके इस स्टार्टअप ने ये देखा कि इन्होंने मंदिरों से फूल लेने शुरू कर दिए और उन फूलों से अगरबत्ती, धूपबत्ती, हवन सामग्री इत्यादि का निर्माण करना शुरू किया। और इस स्टार्टअप का ऐसा क्लेम है कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो 100% नेचुरल हैं, चारकोल फ्री हैं और टॉक्सिक नहीं हैं। और तो और दोस्तों, ये स्टार्टअप जो है वो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार देता है। तो दोस्तों, है ना एक इंटरेस्टिंग आइडिया जिस पर ये स्टार्टअप काम कर रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार दे रहा है, प्रदूषण को कम कर रहा है, और तो और हमारे एनवायरमेंट को हरा भरा रखने में सहायक है। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, और जो तीसरा स्टार्टअप मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ, उस कंपनी का नाम है ऑप्थो लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, ये हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनी है, और आंखें, दोस्तों हमें मालूम है कि आंखें कितनी इंपॉर्टेंट है, हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है आंखें। आंखें पूरी जो है वो हमारा जो नेचर है, जितना हरा भरा नेचर है उसी को देखने में आंखों की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन अगर आंखें नहीं हों तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना अंधकार में जीवन हो जाएगा। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में हमने ये देखा है कि हमारे बच्चों से लेके बड़े लोगों का कंप्यूटर पर और लैपटॉप पर टाइम जो है वो काफ़ी निकलता है, सर्फिंग के तौर पर, गेमिंग के तौर पर, या एजुकेशन लेने में। और पैंडेमिक के टाइम में तो हमने देखा है कि हमारा टाइम और भी ज़्यादा बढ़ गया है लैपटॉप और कंप्यूटर्स पर, जिस वजह से हमारी आंखों पर स्ट्रेन रहता है। इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके इस स्टार्टअप ने कुछ आंखों की ट्रीटमेंट के लिए अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी के द्वारा कुछ बहुत अच्छे ऑइंटमेंट्स, आंखों की क्रीम,
लोशन बनाए जिससे कि अगर हमारी आंखें ड्राई हो रही हैं, ग्लूकोमा जिसको कि हम मोतियाबिंद बोलते हैं इसकी प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन है, उसके लिए दवाएं उपलब्ध कराते हैं। तो आंखों की सुरक्षा के लिए स्टार्टअप एक सराहनीय काम कर रहा है। दोस्तों, इस श्रृंखला में जो चौथा स्टार्टअप मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ, उस कंपनी का नाम है मैक्सवोल्ट एनर्जी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, यह भी कंपनी जो है वो ग्रीन एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण को कैसे हरा भरा रखा जाए उस सेक्टर को बिलोंग करती है। और इन्होंने जो प्रॉब्लम समझी वो ये समझा कि अक्सर जो हमारे घरों में इन्वर्टर में बैटरीज लगी रहती हैं, ई रिक्शा में बैटरीज होती हैं, इन बैटरी में मटेरियल जैसे जिंक हो गया, सोडियम हो गया, सल्फर हो गया, इसका इस्तेमाल होता है जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों, इन्होंने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और सोल्यूशन के तौर पर ये अपनी बैटरीज लेके आए जिसमें कि लिथियम का उपयोग किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लिथियम जो है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हितैषी है, और तो और ये जो है वो रिसाइकिल किया जा सकता है लिथियम को। तो दोस्तों, इन्होंने कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए कदम उठाया है और बैटरीज में जो है जो हम सोडियम के अलावा जो जिंक वगैरह होता है उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर ये लिथियम को लेके आए हैं। और इनके पास में जो लिथियम बैटरीज हैं इनका इस्तेमाल हम टू व्हीलर्स, ई रिक्शा इत्यादि में कर सकते हैं। इस श्रृंखला में जो आखिरी स्टार्टअप मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ, उस कंपनी का नाम है आर्ट कला प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और ये एडवर्टाइजिंग सेक्टर से आती है ये कंपनी। तो अक्सर हमने घरों में देखा है कि हमारे घर में जो है वो वेस्ट के तौर पर पेपर, रद्दी, प्लास्टिक की बॉटल्स, कैंस, कवर्स, कैप्स, ये हम लोग जो है वो हर महीने एक रद्दी वाला आता है और उसको हम सेल कर देते हैं। तो इन्होंने इसी कंसेप्ट पे काम किया और इन्होंने ये देखा कि हम वेस्ट से बेस्ट की तरफ कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो इन्होंने जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया और उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये ट्यूटोरियल्स देते हैं कि आप किस तरीके से जो घर में ये जो इस तरीके का सामान है इसको कैसे आप डेकोरेटिव चीज़ों में तब्दील कर सकते हैं। और इसीलिए इन्होंने ये कंसेप्ट दिया है कि वेस्ट से वेल्थ की तरफ कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज के समय में जब हम पेंडेमिक में हैं तो इस स्टार्टअप की अहमियत और इसलिए बढ़ जाती है कि इनके ट्यूटोरियल्स को आप और हम और हमारे बच्चों को उनकी प्रतिभा निखारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ डेकोरेटिव आइटम्स हम लोग बना सकते हैं। तो है ना एक कमाल का आइडिया। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने 5 स्टार्टअप्स को रिव्यू किया और रिव्यू करने में हमने ये पाया कि ये स्टार्टअप्स तो अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ ही रहे हैं, अब आपकी बारी है। तो दोस्तों, मैंने जो भी अभी रिव्यू किया इस पर आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आपको कौन सा स्टार्टअप इन सब में सबसे अच्छा लगा। दोस्तों, यहाँ पर जो भी मैंने रिव्यू किया है वो मेरी अपनी निजी और स्वतंत्र राय है, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। और ये सारे स्टार्टअप्स जो मैंने रिव्यू किए हैं ये startupindia.gov.in की साइट पर रजिस्टर्ड हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और अगले वीडियो में हम लोग फिर कुछ नए और इनोवेटिव आइडियाज़ के, बिजनेस आइडियाज़ के साथ में मिलेंगे और आपको मैं आपकी उद्यमिता आगे बढ़ाने के लिए कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।